एक छोटे से गांव में कार्तिक नाम का सब्जी वाला रहता था। वो बहुत ही ज्यादा ईमानदार था। वो किसी तरह सब्जी बेचकर अपने घर का गुजारा करता था। एक दिन वो अपनी पत्नी नायरा से कहता है, नायरा मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मैं जितना भी कमाता हूँ तुम उसे पूरे परिवार की जरूरतों का ख्याल रखती हो। खामखा आप मेरी तारीफ कर रहे हैं, ये तो मेरा फर्ज है, जितना भी आप कमाते हैं उसमें सबकी जरूरतों को पूरा करना। और हम दोनों यही चाहते हैं हमारा बेटा कैरव पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। एक दिन कैरव स्कूल से वापस आता है। माँ मैं बाहर खेलने के लिए जा रहा हूँ। अरे बेटा तुम्हारे पापा सब्जी बेचकर तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठाते हैं, वो चाहते हैं तुम पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाओ। माँ मैं अभी तो पढ़कर आया हूँ, आप चाहते ही नहीं है मैं खेलने के लिए जाऊँ। बेटा मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, जाओ खेल कर वापस जल्दी आ जाना। कैरव खेलने के लिए चला जाता है। वहीं नायरा कार्तिक के लिए खाना बनाती है। ऐसे ही उन दोनों की जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी। ऐसे ही काफी साल गुजर जाते हैं। अब कैरव बड़ा हो जाता है और एक अच्छे हॉस्पिटल में नौकरी करता है। एक दिन नायरा कमरे में बैठी थी। एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी हॉस्पिटल चलो। अब नायरा और कैरव हॉस्पिटल जाते हैं। ये सब क्या हो गया है, आपकी हालत कैसे हो गई? क्या बताऊं नायरा, एक बच्चा कार के सामने आने वाला था, तो उसे बचाने गया तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। उसी समय डॉक्टर आकर नायरा से कहता है, जी आपके पति अब अपाहिज हो गए हैं, कब तक ये ठीक होंगे ये मैं आपको नहीं बता सका। ये सुनकर नायरा परेशान हो जाती है। कैरव बेटा अब सब कैसे होगा, अब तो सिर्फ तेरी ही कमाई का भरोसा है। देखो मम्मी मेरी अभी अभी नौकरी लगी है, मैं घर का और हॉस्पिटल का खर्चा नहीं उठा पाऊंगा। बेटा तू क्या कह रहा है, हमने तुझे आज इसी दिन के लिए पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, तेरे पापा ने सब्जी बेचकर तेरी पढ़ाई पूरी करवाई, आज तो हमें ऐसे ताने मार रहा है। तू रहने दे मैं ही कुछ करती हूँ। अगले दिन नायरा सब्जी बेचने के लिए जाती है। सब्जी ले लो ताजी ताजी हरी हरी सब्जी ले लो। जरा मुझे 1 किलो आलू देना। जी बहन अभी देती हूँ। अब नायरा सब्जी बेचकर अपना और अपने पति कार्तिक का खर्चा उठाती थी। अब धीरे धीरे कार्तिक भी ठीक हो जाता है, ये देखकर नायरा बहुत खुश होती है। तो ये थी आज की कहानी। क्या आपको पता है कार्तिक क्या काम करता था? अगर आपको पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।